ये है गुजरात अहमदाबाद के होनहार द ग्रेट धवल खत्री यूनिक पेंटर। ये बात बिल्कुल सच है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आपके मन में लगन है, विश्वास है, तो सफलता आपके कदमों को छूकर ही रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे धवल खत्री को पूरी दुनिया जानती है, उनके पेंटिंग के टैलेंट को पहचानती है, सराहती है, पर साथ ही साथ धवल के चाहने वालों के मन में कई सवाल उमड़ते थे कि क्या धवल बचपन से ही ऐसे थे या उनकी जिंदगी में कोई बड़ी दुर्घटना घटी थी। आखिर कैसा था धवल का बचपन, वो अपने जीवन में बनना क्या चाहते थे? ऐसे तमाम सवालों को सुलझाने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं द ग्रेट पेंटर धवल खत्री की कहानी में। धवल बेटा, इतनी रात को क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं मम्मी, नींद नहीं आ रही थी। तो नींद आएगी कैसे, पेंटिंग का भूत जो सवार है नवाबजादे पे। इतना कोई पढ़ाई में मन लगाए ना तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मत करो पढ़ाई, जब बड़े हो जाओगे तब मेरी तरह प्राइवेट जॉब करना, तब पता चलेगा तुम्हारे को। रहने भी दीजिए ना। मुझे नहीं, इसे समझाओ। नहीं मां, पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। मैं समझाती हूँ, आप जाइए सो जाइए, मैं समझाती हूँ, जाइए। बहुत रात हो गई ना, चलो जाके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। धरती बेटा आप भी सो जाओ, सुबह स्कूल है ना। लीजिए, मैंने सारे कपड़े इसके अंदर रख दिए हैं, बस अभी बच्चों के कपड़े बदलवाना बाकी है। अच्छा, वो मेरी रेड वाली शर्ट रख ली ना तुमने? हाँ बाबा रख ली। और वो मेरी ग्रीन वाली चेकी शर्ट जो परसों लाए थे, वो भी रख ली है। बस जाकर देखो। अरे इसका छोटा वाला ताला तो दे दो मेरे को। अरे देती हूँ बाबा, रुको ना, एक बच्चे आ गए। आजा आजा बेटा, तुम लोग ना फटाफट ड्रेस चेंज कर लो, जल्दी से। हाँ अरे मम्मी, ये पैकिंग क्यों, हम कहीं बाहर जाने वाले हैं। हाँ हम लोग ना तुम्हारे मामा के गांव जा रहे हैं। अरे वाह माँ, तो बहुत मजा आएगा। हाँ अरे लेकिन किस लिए? अरे किस लिए क्या, मामा के गांव क्यों जाते, बहुत दिन हुए है ना तुम्हारे मामा मामी और चिराग से मिले हुए। और तुम्हारे दोनों के स्कूलों की लगातार 3 दिन की छुट्टी है, तो जाएंगे। अभी चलो चलो जल्दी करो, लेट हो जाएंगे हम लोग। हाँ हाँ। अरे मम्मी आप लोग जाओ, मुझे यहाँ रुककर पढ़ाई करनी है। तुम अकेले यहाँ रहोगे? मम्मी मैं यहाँ रुक सकता हूँ, मैं पढ़ा हो गया हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से कपड़े बदल लो। अरे मम्मी मुझे यहाँ रुककर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई नहीं, तुझे पेंटिंग करनी है, तब पता है मुझे। जाओ जल्दी वरना बस छूट जाएगी। मोड़ उठाए तो चल चल फटाफट, चल कपड़ा बदला करी ना। अरे मम्मी मुझे नहीं आना है। तू भी क्या रहे चल। अरे मम्मी मुझे नहीं आना है, शो पहुंचो चल। मुझे इच्छा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है।
धवल शू करे छे हाथ अंदर ले उतावर में ना मेरे शॉपिंग ही रह गया अरे केटलू शॉपिंग करिस कली तो तेरे को दो साड़ियां दिलवाई है लेकिन वो मेरी मेरी फेवरेट थी ना वो लीला कलर की वो रह गई ना हे भगवान इन औरतों की शॉपिंग क्या औरतों की शॉपिंग आपके लिए भी तो लाई ना मैं चेक्स वाली शर्ट हूं मुझे नहीं चाहिए चेक वाली शर्ट तू तेरा पेट भर ले बिना ला पानी दे हां ये लो तुम चीटिंग करते हो बीच वाली उंगली छुपा देते हो अरे मैं चीटिंग नहीं करता हूँ अरे मैं कहाँ से उंगली छुपा सकता हूँ उंगलियाँ तो हाथों में ही होती है ना नहीं तुम चीटर हो तुम चीटिंग करते हो मैं चीटिंग नहीं करता हूँ ना नहीं तुम चीटिंग करते अरे नहीं चुप करो तुम लोगों नहीं लड़वाना नहीं बंद मम्मी मम्मी भैया देखो चीटिंग कर रहे अरे मैंने चीटिंग नहीं की खाली उंगली बस बस बहुत है भूख लगी छे तुमने लोगों ने आलो तुम्हारो फेवरेट चलो बेटा आ गया चलो आ गया ये हमारे गांव है हाँ बेटा ये आपके मामा का गांव है अब चलो मेरे शैतानो नमकीन अच्छा लगा बेटा बेटा काफी टाइम हो गया नहीं हम लोगों को यहाँ के अरे बहुत पिछले महीने में आए थे हम लोग तब से लेके अब जाके आए हैं टाइम भी तो नहीं मिल पाता है आपका ऑफिस ऑफिस अब देखो तब वो क्या शर्मा जी जब से बीमार पड़े हैं तो उनका काम भी फिर मेरे को करना पड़ रहा है अरे हरियाली कितनी अच्छी है नहीं गांव में और हवा भी बहुत अच्छी आती है जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा मम्मी मम्मी आप ये आंटी को जानती हो क्या नहीं बेटा गांव में ऐसा ही है गामड़ा में कि कोई पहचान नहीं होती ना तो भी जय श्री कृष्णा बोलते हैं बेटा इसीलिए गांव है अपनापन होता है बहुत अपनापन होता है जय श्री कृष्णा भाई गांव की तो बात ही कुछ और है गांव से ही भारत की असली पहचान है हमारे देश की परंपरा रही है कि लोग त्योहार मनाने के लिए शहरों से अपने अपने गांव जाया करते हैं अब देखिए कल मकर संक्रांति का त्योहार है और धवल भी अपने मामा के गांव आया हुआ है यहां पर कल जमकर पतंगबाजी जो होने वाली है और जिसकी तैयारियां आज से ही जोरों पर है आइए देखते हैं और क्या क्या हो रहा है यहाँ अंकल मुझे सफेद वाली बड़ी पतंग दो ना सफेद वाली तो नहीं अभी एक लड़का लेके गया जस्ट कौन लेके गया एक लड़का लेके गया अभी फिर वो काली वाली दे चलो दे दो ये कितने की है ये 100 रुपए की आप कितनी अच्छी पेंटिंग बनाते हो थैंक यू आप मुझे भी बनाना सिखाओ ना हाँ क्यों नहीं मैं सिखाऊं चिराग तुम्हें नहीं मुझे धवल भैया से ही सीखना है अच्छा इधर आओ पहले मैं तुम्हें ब्रश पकड़ना सिखाता हूँ ब्रश पकड़ना तो मैं भी सिखा सकती हूँ नहीं पर मुझे धवल भैया से ही सीखना है तुम सीख लो अपने भैया से अरे बच्चों क्या हो रहा है पापा मैं धवल भैया से पेंटिंग बनाना सीख रहा हूँ अरे वाह धवल ये पतंग पे पेंटिंग तुमने बनाई है जी मामा जी कमाल है बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है थैंक यू पापा मैं भी धवल भैया की तरह पेंटिंग बनाना चाहता हूँ हाँ हाँ तो सीख ले अपने धवल भैया से क्यों धवल सिखाएगा ना जी मामा जी अरे सांभळो छो हाँ? खाना बन चुका है अभी आ जाओ खाने के लिए हाँ हाँ आते हैं चलो बच्चों इसे रखो बाद में करना पहले खाना खा लेते हैं जी मामा जी चलो 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 आप झूठ बोल रहे हैं भाई कुछ भी कहो आज खाने में तुम
मजा आ गया। अरे जीजा जी आपको तो मालूम है ना कि हेतल के हाथ का खाना अच्छे अच्छे खा के भाग गए। आने तो बस का ही पड़ा। लो बेटा लो। तुमने खबर है? हाँ। ये धवल कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है। अच्छा? हाँ, तुम देखना उसने पतंग पे क्या पेंटिंग बनाई है। अरे वाह वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मा मैं भी धवल भैया से पेंटिंग बनाना सीख रहा हूँ। तू भी सीखना हो। अच्छा जीजा जी, ये धवल कब से पेंटिंग बनाना सीख रहा है? अरे कुछ नहीं सीख विक रहा है, बस ऐसे ही पूरा दिन ब्रश लेके घिसता रहता है। अरे वाह कमाल है धवल, अपने आप ही इतनी अच्छी पेंटिंग बनाना सीखा है। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। हाँ पढ़ाई से ज्यादा पेंटिंग में ध्यान लगा रहता है जाना आपका। भाई तुम्हें जाने जरा समझाओ ने कि पेंटिंग से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे बहन तू चिंता नहीं कर, अरे ये मेरा भांजा है मेरा भांजा, और मेरा भांजा बहुत होनहार है, तुम देखना ये पढ़ाई और पेंटिंग दोनों में बहुत अच्छा करेगा। हाँ धवल अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करेगा ना। हाँ हाँ देखा। ये पेंटिंग वेंटिंग करना तो बहुत अच्छी बात है, पर एक काम करते अभी हम लोग चौकटाबाजी खेलते हैं। अरे करा चलो चलो तो एक काम करते मैं जब तक चौकटाबाजी लाती हूँ आप लोग सब लोग चलो हॉल में। हाँ भैया हमने पूरी 9 पतंग काट चुके हैं और एक काटेंगे तो पूरी 10 हो जाएंगी। कामोचे। तुम लोग जाओ जल्दी, मम्मी नाराज हो जाएगी, मैं पतंग उतार कर आता हूँ। ठीक है भैया। भैया तार में फंस गई, इसको तो उतारना पड़ेगा।
संभालती अपने आप को। दीदी होश ना रखिए, दीदी कुछ नहीं होगा, दवा को होश ना रखिए। मम्मी भैया को कुछ नहीं होगा, मम्मी वो यार नहीं आना चाहता था, क्या कह रहा था, पिक पिक कर मेरे के पढ़ाई कर, हम लोग जबरदस्ती उसे लेकर आ गए। किसे पता था कि ये हादसा हो जाएगा, ना हम लोग उसे यहाँ लेकर आते होता या हादसा होता। दीदी हौसला रखो दीदी, ऐसा तू क्यों कैसे काम चलेगा, हिम्मत रखो, हम कुछ नहीं करेंगे कि दवाल को। देखिए अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है। लेकिन थोड़ी देर और हो जाती तो बचाना बहुत ही मुश्किल था। डॉक्टर साहब हाँ, आप लोग से मिल सकते हैं ना? हाँ हाँ मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बात मत कीजिए। दीदी मैंने कहा था ना हमारे दवा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देख रहा थोड़ा खा ले। अभी नहीं, ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद तुझे दवाई दूंगी, तब खाना पड़ेगा। अच्छा आप लोग भी ना घर पे जाके थोड़ा आराम कर लीजिए, चाहिए ना वो धवल की दवाई भी तो लानी है। धवल के पेरेंट्स? हाँ जी जी हाँ। आपको डॉक्टर ने अपने कैबिन में बुलाया है, चलो। डॉक्टर साहब ने बुलाया। भाई तुम्हें जता राम ने छोड़े, मैं यहाँ धवल के पास रुकती हूँ। भले बहन जीजाजी चलिए। प्लीज कम टेक योर सीट। जी डॉक्टर साहब। देखिए मैंने इसलिए बुलाया है आप लोगों को, धवल के बारे में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ तो आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए। एक्चुअली उसकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, हालत जो है ना उसकी जो। जी मैं समझा नहीं आपकी बात का मतलब। हाई टेंशन वायर से लटका है तो उसकी वजह से ना हाथ पूरी तरह से जल चुके हैं और इन्फेक्शन आगे फैलता जा रहा है। बोलिए ना क्या हुआ?
सब खत्म हो गया। ये बात बिल्कुल सच है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। जीवन में जो कुछ भी शुभ अशुभ घटित होना है, जिस भी तरीके से होना है, वो सब होकर ही रहेगा। धवल अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था, वो तो अपने घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि उसके साथ में ये सब हो जाएगा। खैर, धवल की जिंदगी अब खतरे से बाहर है और ये जानकर उसके परिवार वालों को थोड़ी सी राहत मिलती है। अस्पताल में 2 दिन बीत चुके हैं। वैसे तो धवल अब पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उसके दोनों हाथ जो कि बिजली के तारों के संपर्क में आने से जख्मी हो चुके थे, जैसे ही वो ठीक होते हैं उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। बस अब इसी पल का इंतजार बेसब्री से सभी को है। इस एक छोटे से वाक्य में न जाने कितना दर्द, कितनी हताशा और न जाने कितने सपनों के एक साथ चकनाचूर हो जाने के संकेत छिपे। धवल के बारे में डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर वहां पर मौजूद एक भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसकी आंखें नम नहीं हुई होगी, जिसका मन भारी नहीं हुआ। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि धवल की जिंदगी को अब खतरा है। धवल के दोनों हाथ जो कि बिजली के तारों से चिपक गए थे, उनमें अब बुरी तरह से इंफेक्शन फैल चुका है। उन्होंने उन हाथों को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर दुर्भाग्यवश नाकाम रहे। अब उन जख्मी हाथों की वजह से धवल की जिंदगी खतरे में आ चुकी है और उन दोनों हाथों को काटने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ 14 साल की धवल की जिंदगी को बचाने के लिए उसके शरीर से ऑपरेशन के द्वारा दोनों हाथों को अलग कर दिया जाता है। रंगों से खेलने वाले हाथ हमेशा हमेशा के लिए खो गए। देखिए, मैंने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है, धवल आप स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है, पर उसके आप दोनों हाथ नहीं रहे। उसको किसी ऐसे संस्था में दाखिला दीजिए जहाँ पर इसकी कोई देखभाल कर सके। और सर, धवल यही पढ़ना चाहता है, इसी स्कूल में, हम स्टूडेंट्स की तरह। सर देखिए सर, प्लीज इसे यही कंटिन्यू करने दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ, धवल की वजह से क्लास के दूसरे बच्चों को और टीचर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा भरोसा कीजिए सर, धवल को एक चांस दे दीजिए। ये बहुत इंटेलिजेंट है सर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। सर एक चांस दे दीजिए सर, इसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा मेरे बच्चे का, मैं कहाँ जाऊँगा। सॉरी, इसके लिए मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सर 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 मेरी बात तो सुनिए। पापा, आपको मेरे लिए किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मेरे दोनों हाथ नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं सांसें ले सकता हूं, खा पी सकता हूं, यहां तक कि मैं पढ़ाई भी कर सकता हूं। मैं जीते जी हार नहीं मान सकता। मैं जिंदगी भर किसी का सहारा बनकर जीना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं इसी हालत में किसी का सहारा बनना चाहता हूं। शाबाश बेटा, चलिए पापा यहां से। हाँ। चलो पापा। We'll be right back.
नहीं मम्मी, मुझे खुद से सब कुछ करने दो। मैं वो सब कुछ खुद करना चाहता हूँ जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। मम्मी, मैंने कहीं पढ़ा है, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। आपने समझाया नहीं प्रिंसिपल को। आरती, समझाया उसे जाता है जो समझना चाहे, वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। आखिर क्यों ये स्कूल वाले मेरे धवल के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों? ये तो वही जाने। याद है जब धवल के साथ में हादसा हुआ था, तब तो इन्होंने बिना एग्जाम के उसे प्रमोट कर दिया था ना। उनका कहना है कि धवल को अब और पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। क्यों? हाँ, वो कहते हैं कि जब धवल के हाथ ही नहीं है तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। वो बोलते हैं कि एक बच्चे की वजह से हम अपने स्कूल का रेपुटेशन डाउन नहीं कर सकते। तो आपने पूछा नहीं उनसे फिर मेरे धवल के भविष्य का क्या होगा? पूछा नहीं आपने? आरती, तुमको क्या लगता है मैंने बात नहीं की होगी? मैं उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, उनके सामने हाथ जोड़े, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल की रेपुटेशन की चिंता है। बच्चों के भविष्य से उनको कोई लेना देना नहीं है। ए बाप रे, हम कितनी परेशान लोग हैं आप हमारे। ईश्वर ने कष्ट दिया है, वही उसका निवारण करेगा। हिम्मत रखो, अगर हम टूट गए तो धवल को कौन संभालेगा? उसको हौसला कौन देगा? मत रहो तुम। अहमदाबाद में सिर्फ एक ही स्कूल नहीं है, बहुत सारी स्कूलें हैं। किसी ना किसी स्कूल में हमारे बच्चे को एडमिशन जरूर मिलेगा। धीरज रखो, हिम्मत से काम लो। हमें अपने धवल को हिम्मत देनी है, उसे हौसला देना है। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। मत चिंता करो, we'll be right back.
रहे हर लम्हा तैयार जो लिए मानवता और प्यार को किया खुशियों का इंतजाम इंडिया इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया सलाम इंडिया सलाम इंडिया सलाम मुझे भी खेलना है खेलू क्या पागल हो गए हो क्या तुम दोनों हाथ नहीं तुम्हारे कैसे खेलेगा तू प्लीज मुझे ट्राई करने दो ना मुझे पूरा विश्वास है मैं खेलूंगा तो वॉलीबॉल खेलेगा बगैर हाथ के अरे यार समझाओ इसे कैसे खेलेगा ये यारो ये खेलना चाहता है तो खेलने दो आजा अजमा ले अपना दम मुझे लगा था तुम खेल नहीं पाओगे लेकिन तुमने बहुत अच्छा खेला अब तुम रोज खेलोगे हमारे साथ तो ये बात है जी मैंने आपका आवेदन पढ़ा लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि इसके स्कूल के प्रिंसिपल ने इसे निकाला क्यों आखिर उनका कहना है कि हाथ नहीं होने की वजह से धवल को और पढ़ाई नहीं करनी चाहिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए ये कौन सी किताब में लिखा है कानून की आपको उनसे पूछना तो चाहिए था कोई बात नहीं मैं आपके बेटे धवल का एडमिशन अपने स्कूल में आज और अभी करता हूं मुझे आपके बेटे धवल पर बहुत गर्व है बेटा धवल मन लगा के पढ़ना अगर एग्जाम में तुम्हें राइटिंग सपोर्ट की भी जरूरत हुई ना तो मैं उपलब्ध कराऊंगा ठीक है तो आज से आपका होनहार बेटा धवल हमारे स्कूल का स्टूडेंट है सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सच बताऊं तो हम धवल के एडमिशन को लेकर बहुत चिंतित थे आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है मैंने कोई उपकार थोड़ी किया है इसके ऊपर ये तो आपके बेटे का हक है और पढ़ाई की इच्छा रखने वालों को पढ़ाना तो हमारा फर्ज है वहाँ क्या बात एक वो स्कूल है जहाँ पर धवल ने बचपन से पढ़ाई की लेकिन उसके हाथ कट जाने की वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और एक ये स्कूल है जहाँ के प्रिंसिपल ने खुद उसकी पढ़ाई के लिए हौसला अफजाई की और साथ ही साथ कई सारी सुविधाएं देने का वादा भी किया लेकिन धवल ने भी जी तोड़ मेहनत कर प्रिंसिपल साहब का और स्कूल का पूरा पूरा मान रखा
वैसे तो प्रिंसिपल साहब ने धवल को एग्जाम में राइटिंग सपोर्ट देने का वादा किया था, मगर धवल ने बिना राइटिंग सपोर्ट लिए सारे एग्जाम दिए और अच्छे नंबरों के साथ पास होता चला गया। समय बीतता रहा और धवल ने पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग में भी खूब मेहनत की। पेंटिंग कॉम्पिटिशन में धवल ने स्कूल के लिए ढेरों अवार्ड जीते। धवल की पेंटिंग की वजह से स्कूल का नाम रोशन होता चला गया। स्कूल में हर किसी की जबान पर धवल का नाम चढ़ चुका था। धवल का बीकॉम का एग्जाम चल रहा था, तभी उसके दोस्तों ने बताया कि एक टीवी चैनल वाले एंटरटेनमेंट शो के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, लेकिन ऑडिशन की डेट एग्जाम डेट पर होने की वजह से ऑडिशन देना बहुत मुश्किल था। लेकिन धवल ने अपने प्रयासों के साथ एग्जाम भी दिया और ऑडिशन भी। ऑडिशन में धवल का सिलेक्शन भी हो गया और उसे शो के लिए मुंबई बुलाया गया। और जब धवल का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था, समूचे देश में हर किसी की जबान पर धवल खत्री का नाम था। रातों रात एक उम्दा और यूनिक पेंटर के तौर पर धवल खत्री पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके थे। और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि उसी दिन धवल का बीकॉम का रिजल्ट भी आने वाला था। धवल अच्छे नंबरों के साथ पास हो चुका था। धवल के लिए और उसके परिवार वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। जाहिर है, जब खुशी इतनी बड़ी है तो सेलिब्रेशन तो होगा। धवल ने अमार को आज गौरवान्वित कर दिया। आज इसकी वजह से हमारा नाम रोशन हो गया। इसने वो कर दिखाया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सही बोल रही हो तुम। जवी बहन उन्होंने तो कह दो मेरा भांजा है बड़ा होनहार। देखा, आज इसने अपनी लगन और पक्के इरादे से क्या चमत्कार कर दिया। तो इसी खुशी में हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। और इस पार्टी की शुरुआत हम गुजरात के काला खट्टा शरबत से करेंगे। तो यह है द ग्रेट धवल खत्री की कहानी। आइए जानते हैं कुछ उन्हीं की जुबानी। 2003 में जब हम काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे हमारे रिलेटिव्स के वहाँ, तो बाय मिस्टेक मैंने हाई केबल वायर गलती से पकड़ लिया था और उसके बाद मैं टेरेस पर से नीचे गिर गया था। हाई वोल्टेज इतना ज़्यादा था कि मैं ऑन द स्पॉट मेरी डेथ हो गई थी। लेकिन इट वॉज कहते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो मॉर्निंग का टाइम था, डॉक्टर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे। उन्होंने सब देखा तो उन्होंने पंपिंग, हार्ट पंपिंग वगैरह कुछ बेसिक ट्रीटमेंट दिया मुझे। तो सडनली मेरी ब्रीथिंग वापस स्टार्ट हो गई। तो ये मेरा सेकंड बॉर्न है विथ पेंटिंग टैलेंट के साथ। तो एक्चुअली मैं ये कह सकता हूँ कि नॉट बाई चॉइस बट बाई चांस। उसके बाद मुझे हॉस्पिटलाइज किया था। फिर जब हॉस्पिटल में था तो मम्मी ने, पापा ने, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया था। और जब मैं हॉस्पिटल में था तो मम्मी ने मेरे हाथ पे जो बैंडेज वगैरह लगा होता है तो उसमें पेंसिल या पेन सब लगा कर मुझे लिखना सिखाया था। सबसे पहले मैंने गणपति बनाए थे, श्री गणेश जी। उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा था। फिर मैंने घर पे आके बहुत सारी प्रैक्टिस की, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। जब 9th स्टैंडर्ड में था जो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं वह स्कूल में वापस गया था, लेकिन मुझे स्कूल से निकाला गया क्योंकि मेरे ऐसे बोलकर कि अब तेरे दो हाथ नहीं है तू कैसे लिख पाएगा, पढ़ पाएगा। फाइनली मैंने दूसरा स्कूल ज्वाइन किया और उसके बाद मैंने बीकॉम ग्रेजुएट कंप्लीट किया और आज मैं एज अ प्रोफेशनल पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। और बहुत सारे मैंने कई टेलीविजन शोज भी किए हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और लास्ट में एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर, वे नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते।